आपको कोर्ट के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? पांच पांच छह छह साल एक ही एक जगह पे टिके रहते हैं। आपको यहाँ शक्ल देखने के लिए टीएडीए बनाने के लिए नहीं बुलाया है मैंने। आधार क्या? या तो आपको अंग्रेजी नहीं आती तो विश्व हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। अपने कमिश्नर को बुलाइए महिला एवं बाल विकास के, उनके सामने इनका कंडक्ट और चरित्र बताया जाए जरा। बताइएगा कहाँ से लेकर आए वो आप, कहाँ की खोज है आपकी ये? सर जो तत्कालीन प्रोजेक्ट ऑफिसर थे सर 2013 में, उनके द्वारा ये। नहीं तो कहाँ से लाए, कुछ कारण तो कुछ तो बताएंगे ये कंप्यूटर फॉर्म में, क्योंकि इनकी तो जो है जो एप्लीकेशन लगी है जो इन्होंने फाइल की थी अपनी नियुक्ति के लिए उसमें तो डेट ऑफ बर्थ 1160 नहीं लिखी है। 1160 नहीं लिखी सर, वो निरक्षर थी तो अब उस समय जो भी तत्कालीन प्रधानाधिकारी थे सर उनके द्वारा। कौन थे बताइएगा, उनका नाम बताइएगा आपके विभाग में बोलते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ये मत बताइएगा आपको नाम नहीं मालूम है। सर मुझे नाम नहीं, तो नाम पूछ के आइए, मैं 12 बजे केस लूंगा, नाम पूछ के आइए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा इसमें। तो बाकी सब जान 12 बजे पूछ के आइए कि इन्होंने ये किया है। आई नॉट ओनली क्वेश्चन दिस ऑर्डर, वो रिटायर्ड करुणा खरे मैडम, एक निवेदन। नाम कैसे आ गया आपको अचानक से नाम कैसे मालूम गया आपको? कोर्ट के सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, अब आपको अचानक से नाम कैसे मालूम पड़ गया? केस किसको बचाना चाह रहे? नहीं आपने किसी को नहीं बचाना चाह रहा। आपने फिर अचानक से कैसे नाम मालूम पड़ गया आपको? आप यू आर अ प्रोजेक्ट ऑफिसर, बजटेड ऑफिसर हैं आप, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में, ये आपका कंडक्ट है कोर्ट में। आप यहाँ कोर्ट में झूठ बोलने का साहस करते तो निजी जीवन में और अपने कार्य क्षेत्र में कितना झूठ बोलते होंगे आप? निवेदन करना चाहूंगा सर, वर्ष 13 या 14 में एंट्री हुई है सर। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है सर। 12 बजे नाम पूछते सर, परफेक्ट बता रहा हूँ। फिर अभी आपने कैसे नाम बताया करुणा खरे? आपके पहले कौन थी ये बताओ? मेरे पहले सुलेखा ठाकुर थी सर, 2014 से 18। वो भी रिटायर हो गई? वो अभी है सर। आप लोग पांच पांच छह छह साल एक ही एक जगह पे टिके रहते हैं? मैं 19 से हूँ सर। 5 साल हो गए आपके? 14 के पहले कौन? इसीलिए पहले सर करुणा खरे मैडम। हाँ ये एंट्री कब हुई थी जो आप बता रहे हो? वर्ष 13 या 14 हुई। इसीलिए तो आप लोग इतने जो है निडर हो गए हैं कि कोर्ट के सामने झूठ बोलने से शर्म नहीं आती आपको। ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? आपको यहाँ शक्ल देखने के लिए टीएडीए बनाने के लिए नहीं बुलाया है मैंने, मुझे बताइए ये एंट्री किसके टाइम में हुई थी? गिव मी दी एग्जैक्ट डेट ऑफ द एंट्री। मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊं यहीं से रिकॉर्ड घुमाने के लिए? नहीं सर, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो आपने एफआईआर दर्ज कराई? सर ढूंढ ही रहे हैं सर हम लोग रिकॉर्ड कर, उसकी बैंक पासबुक मिल गई है सर। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ अभी, आप जितना झूठ, आपका नाम क्या है? रिंकल गंगोलिया सर। रिंकल जी, मैं आपको जो है ना दिक्कत में डाल सकता हूँ, आपके खिलाफ एफआईआर के लिए ऑर्डर कर सकता हूँ फॉर टेलिंग लाइज, एंड आई कैन इशू कंटेम्प्ट नोटिस आल्सो फॉर टेलिंग लाइज इन द ओपन कोर्ट, एंड एवरी प्रोसीडिंग इज रिकॉर्डेड हियर। यू कैन नॉट नाउ रिगल आउट मिस्टर रिंकल, यू विल नॉट बी एबल टू रिगल आउट। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं आप। उसकी बैंक के पासबुक है सर, हमारे पास नियुक्ति आदेश है जो उसके ज्वाइनिंग के समय। मैंने पूछा कि कंप्यूटर शीट में किसने एंट्री की जिसमें आपने इनकी जन्मतिथि 1/1/1960 एंटर की, उसका आधार क्या? या तो आपको अंग्रेजी नहीं आती तो विश्व हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा कोई दस्तावेज है जिसके आधार पर, किसके आधार पर यह एंट्री हुई थी और किसने की थी एंट्री, बता दीजिए बस एंट्री किसने की थी। क्लियर बताइएगा नहीं तो आपको भेजूंगा मैं यहाँ से, ठीक है? तैयार रहिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 गलतियां कर दी हैं कोर्ट से झूठ बोलने की। कोर्ट को इतना हल्के में मत लीजिए आप। सॉरी सर। हु इज सुपीरियर ऑफिसर टू हिम? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर से नहीं मतलब, कमिश्नर को बुलाइए महिला एवं बाल विकास के, उनके सामने इनका कंडक्ट और चरित्र बताया जाए जरा। बुला लीजिए उनको, कल रखते हैं, कल बुला लीजिए कमिश्नर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। नहीं सॉरी सर, लिखिएगा श्री रिंकल गंगोरिया इज टेलिंग लाइज वन आफ्टर अनदर। फर्स्ट ही सेड दैट ही डज नॉट नो द नेम ऑफ द ऑफिसर who had made entry in the computer sheet in regard to date of birth of the petitioner as 1/1/1960.
सर निवेदन तो देयर आफ्टर ही सेड दैट इट वाज श्रीमती करुणा खरे हु हैज रिटायर्ड फुल स्टॉप आफ्टर नॉट नोइंग द नेम ही कुड डिस्क्लोज द नेम विद इन नो टाइम नेक्स्ट पैरा व्हेन दिस कोर्ट कैटेगरिकली आस्क्ड हिम दैट who was responsible or during whose tenure entry was made in the computer data to show date of birth of the petitioner as 1-1-1960. He submits that records are not available. Next para. When this court asked him as to whether any FIR has been lodged for loss of record, he submits that records are still being traced. Full stop. This is a very serious matter. That an officer of the state is behaving so arrogantly and indifferently and is not shy of telling lies after lies. Full stop. His conduct is not appreciable. Full stop. Let Commissioner Women and Child Development remain personally present tomorrow to assist this court and answer the queries of this court. Kal bula lijiye unko. श्री मानस मणि वर्मा विल कम्युनिकेट दिस ऑर्डर टू द कमिश्नर हु शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट लिस्ट टुमारो टॉप ऑफ द लिस्ट सर कल निवेदन है सर कल परसों दबों का चुनाव में तो क्या कर सकते हैं तो मुझे ईवीएम वगैरह अलॉट हो गई सर हो गई होगी आप वहां आपको आपको वो इलेक्शन ऑफिसर सस्पेंड करेगा जो वहां ना जाने पर यहां तो कल आपको आना है कोर्ट में कमिश्नर के साथ में क्या कर सकते हैं चुनाव 27 को है नहीं 26 को है सर 26 को होगा 26 को होगा तो आप जाइएगा यहाँ सुबह 10:15 पहले आइए उसके बाद जाकर 6 बजे उपस्थित होना है सर वहाँ पर आपके कलेक्टर जाने और आप जाने जितना आप झूठ बोलते हैं इतनी सहजता से सर मुझे तो जानकारी थी जानकारी नहीं थी यू आर मिस यहाँ इतने वकील साहब लोग बैठे हैं पीछे ऑफिसर्स बैठे हुए नोबडी कैन से कि आप जानकारी दे रहे थे आप मिसलीड करने का पूरा प्रयास कर रहे थे कल आइएगा सुबह 10:15 कल सुबह 10:15 आइएगा कमिश्नर के साथ में वो जानेंगे आपके साथ क्या करना है